सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी उपखंड क्षेत्र के बाटकला गांव में एक आरोपी द्वारा पुजारी रघुनंदन शर्मा को गोली मार दी गई है, जिसके पश्चात उसकी हालत गंभीर हो गई है। उसे देखते हुए जयपुर के लिए इलाज हेतु रेफर कर दिया गया है। इस मामले में गंगापुर सिटी थर्द थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपी विक्रम हरिजन को त्वरित प्रभाव से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। वहीं गोली मार देने के मामले में सर्व समाज ने गहरा आक्रोश जताया है। इसी के चलते सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में सर्व समाज के पदाधिकारियों द्वारा कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। कला में ब्राह्मण के सरेआम एक अपराधी ने गोली दी है, जिससे उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। उस संदर्भ में हम सब समाज के लोग ज्ञापन देने आए, क्योंकि गंगापुर सिटी में आए दिन अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। यहाँ का स्थानीय प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधि घूमकरण की नींद में सोए हुए। कल रात्रि की घटना है। रघुनंदन शर्मा नामक व्यक्ति के ऊपर एक विक्रम नामक व्यक्ति द्वारा और जो फायरिंग की घटना के संबंध में एक प्रकरण दर्ज हुआ है, जिसमें जो मजरूह के गोडे के ऊपर मामूली चोट और सर में चोट आई थी। और इस संबंध में हमारे द्वारा जो मुलजिम विक्रम है, विक्रम हरिजन, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है।